हाय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लाउडफ्लेयर से कोई भी डोमेन को, जैसे गोडेडी, ब्लू होस्ट या बिग रॉक से अगर आपने कोई डोमेन लिया है उसमें HTTPS नहीं आ रहा है, जैसे वेबसाइट जो हम लोग सिक्योर करते हैं, तो हम लोग क्लाउडफ्लेयर से अगर हम लोग डोमेन को रन करेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट HTTPS हम लोग ला सकते हैं, उसमें वेबसाइट सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इधर पे देख सकते हैं, जो जो सुविधा आपको मिलेगा फ्री में, ये बिल्कुल फ्री में क्लाउडफ्लेयर से अगर हम लोग डोमेन को रन कराते हैं फ्री में करा पाएंगे, तो इसमें क्या होगा, वेबसाइट एक सिक्योर हो जाएगा। उसमें जो होस्टिंग, जिस होस्टिंग से आपको वेबसाइट को रन करा रहे होंगे तो उसका जो स्पीड होता है वो मतलब बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल जो आपको स्पीड मिल रहा है उसमें थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा स्पीड को, मतलब जल्दी आपका लोडिंग हो जाएगा वेबसाइट, तो रीडेबिलिटी भी अच्छा होगा। तो हम लोग आज देखेंगे क्लाउडफ्लेयर से किस तरह से डोमेन को कनेक्ट करते हैं। इसलिए सिंपली हम लोग गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे क्लाउडफ्लेयर, क्लाउडफ्लेयर जाके cloudflare.com करके आएगा, इसमें जाएंगे, इसको लॉगिन करेंगे। जैसे कि मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लूँगा, या तो आप लोग जाके साइन अप पे जाएंगे, जिसके अकाउंट नहीं बना हुआ है वो साइन अप में जाके आपका ईमेल आईडी, नाम वगैरह डाल के उसको साइन अप करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे कि मेरा लॉगिन पहले से किया हुआ था इसलिए डायरेक्टली लॉगिन हो गया। इसमें अभी डायरेक्ट ऐड साइट करेंगे, इधर में डोमेन डालना होगा। जैसे मेरा डोमेन मैं डाल देता हूँ, holidaysewa.com। अभी इसमें हम जाएंगे फ्री प्लान में, इसको करेंगे कंफर्म प्लान, फिर DNS डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली स्कैन करके। उतने टाइम में हम लोग क्या करेंगे, क्लाउडफ्लेयर या थोड़ा टाइम लग रहा है नेट स्लो की वजह से, ये ऑटोमेटिकली स्कैन करके DNS दिखाएगा, ये आ गया इधर पे। फिर इसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू, फिर इधर पे हम लोग जैसे कि ये दिखा रहा है, ये जो डोमेन लिया हुआ है गोडेडी से, इधर पे वो दिखा रहा है गोडेडी का डोमेन है, आप लोग देख पा रहे हैं इधर में गोडेडी का दिखा रहा है, जो गोडेडी से डोमेन लिया हुआ है उसका साथ साथ गोडेडी में जो इसमें नेम सर्वर अपडेट किया हुआ है नेम सर्वर भी दिखा रहा है। तो गोडेडी में जाके वो नेम सर्वर चेंज करके आपका क्लाउडफ्लेयर का जो नेम सर्वर है वो देना होगा। जैसे इधर पे लिखा पूरा कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रिप्लेस विथ क्लाउडफ्लेयर नेम सर्वर, तो ये वाला लेके उधर पे डालना होगा। इसलिए मुझे क्या करना होगा, गोडेडी में लॉगिन किया हुआ है, इसमें जाएंगे माई प्रोडक्ट में, फिर मैंने दिया था holidaysewa.com, इसमें जाएंगे DNS में, फिर इधर पे जाएंगे चेंज, इधर से ये नेम सर्वर लेके इधर पे डाल देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे इधर पे एक नंबर पे दिखा रहा है ये वाला, ये लेंगे, यहाँ पे डाल दिया, दूसरा ये ले लिया, फिर इसको करेंगे सेफ। थोड़ा टाइम लगता है इधर पे, मिनिमम 1 आवर से 24 आवर्स के अंदर ये DNS अपडेट हो जाता है। अपडेट हो जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे, जैसे हुइस करके एक वेबसाइट आता है, इसमें अगर हम लोग की डोमेन डालेंगे तो ये वाला नेम सर्वर इधर पे दिखाएंगे। जैसे आप लोग को दिखा देता हूँ, हुइस.com करके एक वेबसाइट आता है, जैसे इधर का अभी जो है नेम सर्वर ये क्लाउडफ्लेयर करके आ रहा है, इसमें भी क्लाउडफ्लेयर करके आएगा, लेकिन पहले जो मेरा होस्टिंग था उसका नेम सर्वर दिखाएगा, क्योंकि इतना जल्दी अपडेट होता नहीं। आप लोग देख सकते हैं जो पहले का जो होस्टिंग था उसका नेम सर्वर दिखा रहा है, थोड़ी देर के बाद ये अपडेट हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा, और इसमें इधर पे आके डन एंड चेक नेम सर्वर में क्लिक करना होगा। ये फुल डिफ़ॉल्ट रहेगा, ऑलवेज HTTP, इसको हम लोग ऑन कर लेंगे, ऑटो मोडि
ऑटो मिनीफाई वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। करके करेंगे डन। फिर हम लोग इधर पे स्पीड मोड में जाएगा, इधर पे जाएंगे स्पीड मोड में। देखिए स्पीड मोड नॉर्मल से कैसे इंक्रीज होके इसे दिखाएगा, नॉर्मल से किस तरह से खुलते थे और क्लाउड फेयर में रजिस्टर करने से कितना स्पीड इंक्रीज हो गया, क्योंकि अभी ये नेम सर्वर अपडेट नहीं हुआ है इसलिए दिखा रहा है, ये नेम सर्वर अपडेट होने के बाद ये दिखाएगा। इधर में देख लेंगे सब कुछ ऑन है कि नहीं। ये वाला अब देख लेना ऑलवेज HTTPS, ये वाला आप लोग ऑन कर लेना ऑलवेज HTTPS। जैसे इधर पे आप देख पा रहे हैं ये HTTP को HTTPS में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि आपको पहले बताया था अगर आपकी वेबसाइट HTTP में ओपन होता है तो इसमें रजिस्टर करने के बाद ये इसको HTTPS में ओपन करेगा और इसमें इसे लॉक करके आएगा जैसे सिक्योर। इधर में जाके सर्टिफिकेट में जाएंगे तो इधर में जैसे क्लाउड फेयर दिखा रहा है तो उधर पे दिखाएगा ये वाला डोमेन जो क्लाउड फेयर से रन हो रहा है, तो इस तरह से आप देख पाएंगे। एक बताया था, दूसरा चीज़ इसका जो स्पीड है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। अभी अभी ये नेम सर्वर अपडेट हो गया आई थिंक, तो इधर पर दिखाएगा अभी चेक कर लेते हैं नेम सर्वर अपडेट हुआ कि नहीं। अभी भी नहीं हुआ है, तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे इसमें स्पीड में जाके इसको क्लिक करना है सिर्फ, ये ऑटोमेटिकली ये स्पीड आपको मतलब इंक्रीज करके इधर पे दिखा देगा कितना फास्टर हुआ, 75% या 72%, कितना परसेंटेज में दिखाता है कितना परसेंटेज वो अब फास्ट हो गया है। तो इस तरह से आप लोग एक वेबसाइट में HTTP ला सकते हैं, HTTP मतलब आपको वेबसाइट सिक्योर हो जाएगा, दूसरा बात उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि ये आप लोग को दिखा रहा है देखिए, ये नॉर्मल टाइम में इस तरह 18 सेकंड लगता था, क्लाउड फेयर में कितना लग रहा है, क्लाउड फेयर में आपका लग रहा है 3G में 1.5 सेकंड लग रहा है, डेस्कटॉप में 1.5 सेकंड और मोबाइल पे लग रहा है 0.3 सेकंड। तो इस तरह से हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि इधर भी आप देखेंगे 86% फास्टर हो गया, मतलब पहले से 86% ये स्पीड इंक्रीज हो गया अभी। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका नेम सर्वर वेरीफाई नहीं हुआ है तो इस तरह से एक एरर दिखा रहा है, नेम सर्वर वेरीफाई हो जाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। जैसे इधर में रीचेक करेंगे तो दिखाएगा ये वेरीफाई, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।